एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रिसेंटली महाभारत देख रहा था, तो उसमें अश्विन कुमार करके दो कैरेक्टर्स हैं, और पता चला कि वो नकुल और सहदेव के पिता हैं। तो अश्विन कुमार या अश्विनी बोले उन्हें, तो ये एग्जैक्टली क्या है हमारे 33 कोटि में, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, और ये आदित्य से किसी तरह से रिलेटेड है क्या, इनमें कुछ डिफरेंस है, तो ये। तो जो पहले 33 कोटि देवताओं की लिस्ट में 12 आदित्य, 11 रुद्र और अश्वसु थे, उसके अलावा दो जो थे उसमें इंद्र और प्रजापति को काउंट किया जाता था। अब इंद्र जो है ना, इट्स अ टाइटल, इट्स नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन। तो इंद्र चेंज होते रहते हैं। तो बाद में जब लिस्ट, बाद के स्क्रिप्चर्स में जो लिस्ट आती है उसमें 33 कोटि जो देवता हैं उसमें जो दो हैं ये पोजिशंस, क्योंकि अभी के जो इंद्र हैं ही इज वन ऑफ द आदित्यस, वो आदित्य की लिस्ट में ही आते हैं, वो भी अदिति के ही बेटे हैं। तो उस लिस्ट में जो दो पोजीशंस बात की में अश्विनी कुमारों को रखा गया। और अश्विनी कुमार है कौन? अश्विनी कुमार एक्चुअली सूर्य के पुत्र हैं, तो दे आर रिलेटेड टू द आदित्यस ओनली। और ये सूर्य के दो बेटे हैं जिनको हॉर्स राइडर्स की तरह माना जाता है। एक्चुअली अगेन जोडियाक्स में इनको, अगर आप इंग्लिश स्टार्स की बात करेंगे तो इनको कैस्टर और पॉलक्स बोलते हैं। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग में दिखाई देते हैं, दो ट्विन स्टार्स हैं जो साथ साथ दिखाई देते हैं। तो ये इनको अश्विनी कुमारों को पुराणों में माना जाता है कि देवताओं के हीलर्स हैं ये, देवताओं के गॉड, देवताओं के डॉक्टर्स हैं ये इन अ वे। तो उनका जो रोल है अश्विनी कुमारों का वो ये है हीलिंग का। सो जैसे अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के लिए कौन है गॉड ऑफ हीलिंग, किसी को पता है? धन्वंतरी। सो धन्वंतरी जो है वो ही इज द फाउंडर ऑफ आयुर्वेद, वो उनको भगवान माना जाता है धन्वंतरी को, जो एक्चुअली विष्णु जी के ही एक अवतार है। और धन्वंतरी जैसे ह्यूमंस के लिए लेके आए मेडिसिन, तो वैसे ही देवताओं के लिए जो हीलर्स हैं वो अश्विनी कुमार हैं। तो उनका ये एक मेन रोल है। और वेदों में इनफैक्ट बहुत सारे ब्यूटिफुल वर्सेस हैं अश्विनी कुमारों को लेके, जिसमें हमें उनका यही एस्पेक्ट हमें समझ में आता है। इनफैक्ट एक दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ एक रिलीजियस बुक में होगा। सो एक वॉरियर थी, एक फीमेल वॉरियर जिनका नाम विषपाला था, और उनकी उनको एक प्रोस्थेसिस उन्होंने लगा के दिया था, उनको एक नकली टांग एक लगा के दी थी उन्होंने मेटल की। तो दैट इज मेंशन्ड इन द वेदास। और उनके और जो वर्सेस हैं उनको बहुत सारे लोगों ने उनसे हेल्प मांगी तो वो हेल्प करते हैं। ऐसे स्टोरीज हैं जैसे एक राजा थे जिनका शिपरेक हो गया था, स्टॉर्म में फंस गया था, और उनकी शिप जो थी समुद्र में वो डूबने लगे थे, तो उन्होंने अश्विनी कुमार से हेल्प मांगी तो अश्विनी कुमार उनको बचा के लेके गए। ये सब हिम्स हैं। तो हमें पता चलता है कि अश्विनी कुमार जो है ना, दे आर प्रोबेबली, ऑफ कोर्स दे आर यंगर एंड दे आर क्लोजर टू ह्यूमंस, तो वो बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। और क्योंकि वो हीलर्स हैं उनका एक ऑटोमेटिकली एक यू नो एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड है उनका तो टुवर्ड्स सफरिंग, तो वो सफरिंग देखते हैं तो कहीं पे भी वो हेल्प करने आते हैं, पर प्रोवाइडेड हम उनकी प्रेयर करें, हम उन्हें बुलाएं। सर, अश्विनी कुमार से रिलेटेड मेरे को एक चीज ऐसा पता था कि जैसे आप बता रहे थे कि उन लोग ग्रीक टाइम्स में भी दे यूज टू वर्शिप मित्रा, तो वैसे ही शायद उधर लिथुएनिया की, शायद उधर स्लाविक कंट्री में कहीं घर के आगे में दे मेक टू हॉर्सेस टू सिग्निफाई द अश्विनी कुमार, ऐसा कुछ है क्या सर? पॉसिबल पॉसिबल, मैंने ये एक्सप्लोर नहीं किया है बट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो अब इंडिया में सर्वाइव नहीं करते पर यू नो काफी कंट्रीज में अभी तक चल रहे हैं। जैसे मैंने जो भी पोस्ट किया था जोरास्ट्रियनिज्म और हिंदुइज्म के सिमिलैरिटीज में भी, जैसे सोम सेरेमनी है, सोम यज्ञ जो होते थे अब बहुत कम होते हैं, वैदिक यज्ञ बहुत मुश्किल है करना और सोम की अवेलेबिलिटी भी नहीं है इतनी इजीली, पर वो भी पारसीज में वही होम सेरेमनी होती है जिसमें वही वैसे ही एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वही चीजें हैं जो हमारे यहाँ छूट गई या हमारे यहाँ खत्म हो गई पर वो नेबरिंग कंट्रीज में वो चीजें सर्वाइव कर गई। सो पॉसिबिलिटी है बिकॉज हॉर्समैन जो है और ट्विन हॉर्सेस का काफी सिग्निफिकेंस है काफी सारे ट्रेडिशंस।